सीजन में तुम लोगों ने देखा कि हमारे हेमलैंड सर्वर के ऊपर एक बिन बुलाए मेहमान का हमला हो जाता है जिसका नाम था होगा लाला। इस एंटिटी ने हम लोगों को सीजन 4 में बहुत ज्यादा तंग किया और इन दी एंड हम लोगों ने फाइनली इसको और डार्क एंटिटी को एक बहुत ही खतरनाक क्राइम ऑब्सिडियन के प्रिजन के अंदर बंद कर दिया था। बट इन दी एंड मैं वहां पे मर जाता हूं एंड सीजन 5 की शुरुआत में मैं स्पॉन होता हूं फार लैंड्स के अंदर। तो हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली स्मार्टी भाई का हिमलैंड्स का सीजन 5 आ चुका है। सो गाइस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि होगलू इज बैक, तो ये मैंने क्यों बोला था, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करके इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस होगलू इज बैक मैंने इसलिए बोला था, आप लोग पहले ये क्लिप को देख लो। यहाँ पर देखो, जहाँ पर होगा लाला पहली बार आया था, ये शैडो वहाँ पर ही लेकर गया है एजियो भाई को, और ये शैडो एजियो भाई को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, मार भी नहीं रहा है। और हर यूट्यूबर और मैं भी ये वीडियो को इस शैडो को देखने के लिए कि ये होगा लाला है कि नहीं, वीडियो को पॉज कर करके देखा है, लेकिन यहाँ पर होगा लाला का कोई भी फेस नहीं आया है। इसीलिए मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि ये होगलू है। और तुम लोग पहले बात ये सुनो, होगा लाला उस क्राइंग ऑब्सीडियन के प्रिज़न में कैसे उसकी शक्ति इतना बढ़ चुका है। तो पहले अभी इस क्लिप को देखो, यहाँ पर जब स्मार्टी भाई होगा लाला और किलविश को ट्रैप कर रहा था, तब यहाँ पर स्मार्टी भाई ने कोबलस्टोन भी लगाया था और इसकी वजह से होगा लाला का पावर कम नहीं हुआ। और होगा लाला इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, ये स्मार्टी भाई का आने वाला एपिसोड में पता चल जाएगा। और अभी बात कर लेता हूँ हिमलैंड्स का सीजन 5 के बारे में। स्मार्टी भाई का हिमलैंड्स का सीजन 5 में कुछ मिस्टेक बताने वाला हूँ फर्स्ट एपिसोड का। यहाँ पर देखो स्मार्टी भाई ने सीजन 4 की जगह सीजन 5 बोल दिया था यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों ने देखा सीजन 4 की जगह सीजन 5 बोल दिया है स्मार्टी पाई ने, और बाकी मिस्टेक बहुत सारे यूट्यूबर है वो लोग बोल देगा। तो गाइस वीडियो में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, इसीलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग जल्दी से। तो गाइस पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला ही था कि स्मार्टी पाई जिस वर्ल्ड के अंदर गया है वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर का पार्ट है, जैसे कि मेन हिमलैंड्स के अंदर स्मार्टी पाई एजियो भाई, वैसा ही उसी हिमलैंड्स के अंदर स्मूटी पाई, ड्रीम गर्ल, एजियो, E69 रैप। तो मैंने जैसा बोला था वैसे ही हुआ है, सिर्फ नाम में कुछ चेंजेस हुआ है। तो अभी इस वाले क्लिप में नाम देख लो। ओके गाइस आप लोगों ने नाम भी देख लिया होगा। ऑलराइट गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय गाइस। मजा आया। You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same.